काफी हाँ हद तक आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये जो दर्द है ना ये साफ संकेत कर रहा है कि आपके गर्भ में बेटा है हेलो दोस्तों वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं मेकअप ब्यूटी ट्रेंडिंग फैशन और मोमी टॉक की हाँ मुझे पता है बहुत टाइम हो गया है चैनल पे वीडियो आए एक्चुअली ना मैं बीच में थोड़ा सा फैमिली ट्रिप पे चली गई थी और थोड़ा बहुत गेस्ट वगैरह आना जाना थोड़ा घूमना फिरना हो गया था तो उससे रिलेटेड ब्लॉग्स भी मैंने बनाए हैं अयोध्या दर्शन के बनारस गई थी मैं बीच में तो ये ब्लॉग्स अगर आपको देखना है तो कॉमेंट करिएगा मैं सारे ब्लॉग्स भी चैनल पर ही डाल दूँगी क्योंकि अलग से चैनल बनाना ब्लॉग्स के लिए मुझे दो चैनल मैनेज नहीं हो पाएगा बच्चे के साथ जॉब के साथ और यूट्यूब बहुत मुश्किल होता है ठीक है तो मैं उससे रिलेटेड भी दो तीन ब्लॉग्स हैं वो आने वाला है चैनल पर लेकिन आज की वीडियो मैं एक बार फिर से लेके आई हूँ अपने फैमिली के लिए अपने यूट्यूब फैमिली के लिए जिसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाती हूँ जी हाँ प्रेग्नेंट औरतों के लिए जो कि माँ बनने वाली हैं तो आज की वीडियो में मैं कुछ अलग ही बात करने वाली हूँ मतलब अलग मतलब मैं सिम्टम्स की बात करूँगी और मैं यही बात करने वाली हूँ कि आप आपको कैसे पता कर सकते हैं गर्भ के अंदर आपका जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की लेकिन आज मैं बात करूंगी कुछ खास टॉपिक की कुछ खास संकेतों की जिसको आप जान के आराम से पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी देखिए गर्भ में पल रहे बच्चे के जेंडर के बारे में जो सटीक तरीका होता है जानने का वो होता है आपका अल्ट्रासाउंड लेकिन इंडिया में ना अल्ट्रासाउंड कराना गर्भ ओ, के बच्चे या लिंग के बारे में जानने के लिए ना ये कानूनन अपराध है इसीलिए बैन है अगर आप ऐसा कुछ कराने के सोच रहे हैं या करवाते हैं तो आपको आपके डॉक्टर को हॉस्पिटल को सजा हो सकती है तो मैं पहले ही बता देती हूँ मैं या मैरा मेरा जो चैनल है वो गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता लेकिन ऐसा होता है जब आप माँ बनी होंगी या फिर बनने वाली होंगी तो आपको लग रहा होगा कि काश मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो बच्चा है वो आने वाला है या आने वाली है ये हर किसी के दिमाग में आता है इसलिए नहीं कि आप फ़र्क करते हैं बल्कि इसलिए कि बस का पता चल जाए तो उसको वेलकम करना ईज़ी हो जाएगा उसके लिए तैयारियाँ करना आसान हो जाएगा तो देखिए गर्भावस्था के दौरान ना वैसे तो दर्द का सामना हर मोड़ हर पड़ाव पे हमें करना पड़ता है चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड कोई भी सेमेस्टर हो शुरुआत से ही कभी कहीं दर्द हो रहा है कभी कहीं दर्द हो रहा है तो आज मैं बात करूँगी एक बात पहले ही बोल दूँ पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग के बारे में कोई सिम्टम हो या फिर अल्ट्रासाउंड नहीं होना वो स्टार्टिंग के तीन महीने में आप नहीं बता सकते हैं कि बच्चे का लिंग क्या है लेकिन तीन महीने के बाद कुछ ऐसे संकेत आपकी बॉडी देती है कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाती है जो कि आप देख के जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके गर्भ में जब बच्चा होता है जब आप गर्भावस्था में होती हैं तो उसमें जो दर्द होता है ना दर्द के पैटर्न को देख के आप कैसे जान सकती हैं स्पेशली मैं बात करनी होंगी तीन अंगों की तीन अंगों में होने वाले दर्द हाँ, की जिसको आप समझ सकती हैं और जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले संकेत की या पहले असिम्टम की मैं बात करूँ ना तो वो है आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द जी हाँ योनी के पास की बात नहीं कर रहा मैं पेट के जस्ट निचला जो भाग होता है ना वहाँ का दर्द क्या संकेत देता है देखिए गर्भ में पल रहा जब बच्चा आप कंसीव करते हैं ना तो आपको पेट में दर्द होना सिर में दर्द होना और भी बहुत सारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है लेकिन अगर आपको ज़्यादातर दर्द ठीक है मैं बता रही तीसरा महीना कंप्लीट होने के ज़्यादातर जो दर्द होता है वो आपको अपने पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है वैसा कोई संकेत आपको मिल रहा है ना तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है देखिए ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं ना वो पेट के निचले हिस्से में होते हैं और निचले हिस्से में रहेंगे तो वहाँ दबाव भी पड़ेगा वहाँ दर्द भी होगा वहाँ खिंचाव भी महसूस होगा तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको अपने पेट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है दर्द महसूस हो रहा है है और अक्सर ये दर्द आपको महसूस हो महसूस हो रहा है अपनी प्रेगनेंसी के पूरी जर्नी में तो आप ये काफ़ी हद तक श्योर हो सकती हैं काफ़ी हद तक आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये जो दर्द है ना ये साफ संकेत कर रहा है कि आपके गर्भ में बेटा है नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पीठ या फिर पीठ के निचले हिस्से में कमर के पास अगर दर्द है उसकी मांसपेशियाँ खिंच रही हैं आपके मसल्स पेन हो रहे हैं आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटा होता है ना वो बेटियों से अगर हम कंपेयर करें ना तो उसका आकार भी बड़ा होता है वज़न भी ज़्यादा होता है तो अगर वज़न ज़्यादा हुआ ना तो उससे क्या होता है कि वो आपके सीधे रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं या पीठ कह सकते हैं पीठ का निचला हिस्सा कमर उस पर दबाव भी ज़्यादा डालेगा उसमें खिंचाव ज़्यादा महसूस कराएगा आपको उसकी मांसपेशियों पर पे एक अलग प्रेशर पड़ेगा ठीक है अगर लड़की होती है ना तो उसका वेट भी कम है आकार कम है तो वो जो मांसपेशियों पे खिंचाव है वो थोड़ा कम होता है लेकिन लड़के के वजन और आकार की वजह से एक तो पेट के निचले हिस्से में है और उसका आकार भी ज्यादा है वेट भी ज्यादा है तो वो सीधे सीधे आपकी मांसपेशियां जो होती हैं ना पीठ की और कमर की वो खिंचती ही हैं तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपको अपने पीठ में अक्सर दर्द में भी खे, भी खे, कभी कभार दर्द की बात नहीं कर रही हूँ कभी कभार तो दर्द होता ही है और ये पूरी प्रेगनेंसी होगा कभी सिर में दर्द कभी पेट में दर्द कमर में दर्द पैर में दर्द मतलब ये जो दर्द का सिलसिला है ये चलता रहेगा और पूरी प्रेगनेंसी चलेगा जिस दिन बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आपके जो दर्द हैं वो छू हो जाएंगे ऐसा होता है ठीक है डिलीवरी के बाद आपको अपना दर्द नहीं समझ में आएगा अगर आपका सी सेक्शन नहीं हुआ है नॉर्मल डिलीवरी हुई है नॉर्मल डिलीवरी में भी आजकल यार दो तीन टाके तो लगा ही देते हैं ठीक है दिन में सात से दस दिन में आपका टाका गल जाता है तो वो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है बहुत बस अगर आपका टाका नहीं पकता है तो ये तो मैं डिलीवरी तक पहुंच गई ठीक है अभी हम पीछे आते हैं तो मैं बात कर रही हूँ कि जिस टाइप के भी दर्द होते हैं ना ये डिलीवरी के बाद बिल्कुल खत्म हो जाते हैं छू मंतर हो जाते हैं तो अगर आपको भी अपने पीठ में दर्द हो रहा है पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकती हैं ये साफ संकेत होता है कि आपके गर्मी में बेटा है अब मैं बात करती हूँ तीसरे यानी कि आखिरी वाले लक्षण की आखिरी संकेत की वो होता है आपके प्राइवेट पार्ट यानी आपके योनी में दर्द अगर आपको अपने प्रेगनेंसी की जर्नी में ना आपके पैलविक एरिया में मतलब देखिए शुरू से ही बच्चा जब काफ़ी वजन ले लेता है काफ़ी बड़ा हो जाता है फुल ग्रोन अप हो चुका रहता है मतलब उसका ग्रोथ हो चुका रहता है ना तब तो आपके पैलविक एरिया में जब कहते हैं ना कि बच्चा नीचे आ गया तो जब बच्चा नीचे आ जाता है तब तो आपके पैलविक एरिया में आपकी योनी में दर्द रहेगा ही लेकिन मैं बात कर रही तीस तीसरे चौथे महीने की जबकि बच्चा पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ रहता है ग्रोथ उसकी पूरी तरीके से नहीं हुई होती है तब की बात करें तीस से चौथे पाँचवें महीने से ही मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही अगर आपको अपनी योनी में दर्द है आपको ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके पैलवी एरिया में बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है ना तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने का संकेत होता है रीज़न वही है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से आकार में बड़े होते हैं वजन में भी बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा फोर्स ज़्यादा देंगे प्लस वो नीचे की साइड होते हैं तो नीचे हैं तो सीधे आपके योनी वाले पार्ट पे या आप कह सकते हैं पैरवे के पे, आपके प्राइवेट पार्ट पे ज्यादा दबाव डालते हैं नीचे की साइड ठीक है तो वहाँ पे दर्द आपको महसूस होगा कई बार ऐसे लगता है कि हड्डी ना ऐसे अकड़ गई है तो इस टाइप की चीजें अगर आपके साथ हो रही है आपके प्राइवेट पार्ट यानी कि पैरवे एरिया पर दर्द है दबाव है खिंचाव है तो भी आप समझ सकते हैं कि गर्भ में बेटा है तो इस तरीके से इन तीनों दर्द में से आपको कौन सा दर्द महसूस हो रहा है इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की और मुझे भी कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन सा दर्द महसूस हो रहा है जो भी मैंने अभी तक बताया है तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा है और मैं पक्का कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर वीडियो चैनल पे अपलोड हो देखिए मैं हर बार कहती हूँ लेकिन कई बार वादा तो टूट जाता है ना कई बार हो जाता है क्योंकि अब फैमिली है और घर के फंक्शन हैं लोग आना जाना लगा रहता है तो इतना रेगुलर नहीं हो पाते हैं तो भी मैं कोशिश करूंगी ठीक है छोटे बच्चे के साथ अब मैं रो नहीं रही हूँ अपनी मजबूरियाँ बट हो जाता है प्लीज़ हाँ तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए आखिर फैमिली है फैमिली नहीं समझेगी तो कौन समझेगा है ना मेरी यूट्यूब फैमिली तो ये सारे लक्षण क्या है कैसे हैं मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट करिए चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय